Hello friends, I am Sunita Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed. College. Welcome you all on behalf on Guru KPU. Today I am going to deliver my lecture on leadership. Leadership is related to school management. नेतृत्व प्राचीन समय से ही हमारे सामाजिक परिवेश में विद्यमान रहा है और समय अनुसार इसमें परिवर्तन होता चला आया है. प्राचीन काल में जो राजा थे वो अपने राज्य का नेतृत्व किया करते थे और नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्तियों को अपनी मंत्री परिषद में रखा करते थे और राज्य का संचालन करते थे. और वर्तमान समय में भी जो संगठन है उनमें जो क्षमता वाले व्यक्तियों को नेतृत्व की दायित्व सौंपा जाता है. सामान्य अर्थों में नेतृत्व का जो अर्थ है वो है उस क्षमता से लगाया जाता है जिसमें उस सामान्य अर्थों में नेतृत्व से तात्पर्य उस क्षमता से है जिसमें व्यक्ति की नेतृत्व के रूप में हमारी सहायता करता है और हमारी शारीरिक और मानसिक सहायता हमें प्रदान करता है. अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप. टाइप्स ऑफ लीडरशिप में सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रलाइज लीडरशिप. सेंट्रलाइज लीडरशिप यानी केंद्रीकृत नेतृत्व. केंद्रीकृत नेतृत्व के अंतर्गत संपूर्ण जो शक्ति होती है एक संगठन में निहित हो जाती है. एक ही व्यक्ति को केंद्रित करके शासन को सुचारू रूप से चलाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसमें संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती है. दूसरे नंबर पर आता है हमारा डिसेंट्रलाइज लीडरशिप. डिसेंट्रलाइज लीडरशिप अर्थात विकेंद्रीकृत नेतृत्व. इसके अंतर्गत शासन की व्यवस्था को खंडों में विभक्त कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल भारत की संघीय शासन व्यवस्था जिसमें कि शासन की तीन सूचियां जारी की गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची. लीडरशिप के टाइप्स में नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप अर्थात लोकतांत्रिक नेतृत्व. इसके अंतर्गत सहयोग और समानतापूर्ण नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है और इसके अंतर्गत जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनकर और नेतृत्व देश को नेतृत्व प्रदान करती है. नेक्स्ट आता है हमारा डिक्टेटर लीडरशिप अर्थात तानाशाह नेतृत्व. इसके अंतर्गत प्राचीन अवधारणाओं में लिया जाता था कि जो निरंकुश राजा हुआ करते थे वे अपने आदेशों के बूते पर राज्य में शासन व्यवस्था करते थे, इसलिए इसे तानाशाह की संज्ञा दी जाती थी. और उसका फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हिटलर, उन्होंने तानाशाह प्रवृत्ति के कारण बहुत लंबे समय तक शासन किया. नेक्स्ट हमारा आता है हेरिडिटी बेस्ड लीडरशिप अर्थात वंशानुक्रम नेतृत्व. वंशानुक्रम नेतृत्व के अंतर्गत हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व की क्षमता चली जाती है और हम नेतृत्व करते हैं. इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हमारे देश में जो गांधी परिवार है उसका ले सकते हैं, जिसमें कि इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी और आज जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस के महासचिव पद पर कार्य कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इसमें आइडियलिस्टिक लीडरशिप अर्थात आदर्शवादी नेतृत्व. आदर्शवादी नेतृत्व के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति के विचारों से इतना अभिभूत हो जाते हैं, इतना प्रेरित होते हैं कि अपने आप स्वतः ही उन्हें ग्रहण करते हैं और फिर उनका अनुसरण करने लगते हैं. इसके बाद आता है हमारा क्रिएटिव लीडरशिप. क्रिएटिव में हम कुछ इस तरह के रचनात्मक हम बन जाते हैं या इस तरह के मार्ग का अनुसरण करने लग जाते हैं या दूसरों को हम इतनी शक्ति हमारे अंदर होती है कि हम उनको इतना क्रिएटिव बना देते हैं कि वो उस मार्ग की ओर चल पड़ते हैं. जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए जो सत्याग्रह अहिंसा के आंदोलन चलाए थे तो संपूर्ण भारत देश की जो जनता थी वो उसकी ओर ही अनुसरण कर रही थी और उनकी ओर चल पड़ी थी. तो इसको हम रचनात्मक लीडरशिप कह सकते हैं. और लास्ट में आता है हमारा कोऑपरेटिव बेस्ड लीडरशिप अर्थात सहयोगात्मक नेतृत्व. यानी सभी व्यक्तियों को मिलकर सहयोग के साथ आगे लेकर चलना, अपने उद्देश्यों की तरफ लेकर जाना ही कोऑपरेशन बेस्ड लीडरशिप कहलाता है. ये हमारे जो टाइप्स लीडरशिप हैं आठ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.